एक बहुत ही ईमानदार अति सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्री राम रखा काजला पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्रीमती प्रेमलता, बलदेव कृष्ण वर्मा, जगदीश चंद्र काजला, संतोष राणे, महेंद्र पाल काजला, अनिता राणे, किशोर कुमार काजला, उषा राणे, विकास काजला, मंजू काजला, पंकज काजला, सुनीता काजला, आशीष काजला, पल्लवी काजला, पुनीश काजला, सरोज काजला, नवयुग, काव्याश, नायरा, ओशी अते उनादे समूह परिवार वल्लों ग्रीन पैलेस मल्होत्रा कलोनी रोपड़ विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दियां सच्चाइयां बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दी दर्शाए मार्ग ते चलन दी सिख्या दित्ती। श्री राम रखा काजला जी दा जन्म पिता श्री शादी राम जी दे घर माता श्रीमती जीतो देवी जी दी कुखों पायल लुधियाणा विखे 16 फरवरी 1932 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी ने एमए इंग्लिश बीएड तक दी एजुकेशन हासिल कीती। उपरंत आप जी ने अपनी सरकारी नौकरी दी शुरुआत बतौर अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मकसूदरा तो कीती। आप जी ने अपनी नौकरी नु बहुत ही मेहनत लगन अते ईमानदारी नाल कीता। अज आप जी दे पढ़ाई बच्चे उच्च औहदियां ते विराजमान हन। श्री राम रखा काजला जी अपनी सेवा तो सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिब्बा टपरिया रोपड़ तो बतौर एसएस टीचर सेवा मुक्त हुए। आप जी दा व्याह मिसिज राजराणी जी होना नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नु बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटी प्रेमलता अते बेटे जगदीश चंद्र काजला, महेंद्र पाल काजला अते किशोर कुमार काजला ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नु खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दी बेटी अपने सहुरे घरे सुखी व्याहता जीवन बतीत कर रही है अते आप जी दे तिन्ने बेटे बहुत ही पढ़े लिखे हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघाजोग स्थान रखते हन। आप जी दे तिन्नों बच्चे आपो अपने कम्मां विच खूब नामना खट रहे हन अते अपनी माता जी अते अपने पिता जी दे नाम नूं चार चन लगा रहे हन। श्री राम रखा काजला जी परमात्मा दे घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लेंदा ता आप जी दा ही होके रह जांदा सी। मौजूदा समय विच श्री राम रखा काजला जी दी फुलवाड़ी नवयुग, काव्याश, नायरा अते ओशी नाल महक रही है। आसा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, विधि का विधान जान हानि लाभ सही ये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही ये, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम।
बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए, कांधे पे धर ले जाए, परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के, यमदूत ले पकड़ के डालेंगे तेरे फेरे, पीटेगा छाती अपनी, कुनवा उदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरी काया, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरी काया, आकर के झट उठा ले, आकर के झट उठा ले, महकर तेरे कफन को दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। माटी में मिले माटी, मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो राख होगी, सोई पड़ी तेरी काया, सोई पड़ी तेरी काया, जल कर के राख होगी, दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा, मर घट में बास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलो गरुड़ भगवान की जय। अथ षोडशो अध्याय। श्रुता मया दया सिंधो यज्ञानी जीव संसृति, अधुनाम श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातन। भगवन् वन्दे देवेशं शरणागत वत्सल, असारे घोर संसारे सर्व दुःख मलिमते, नाना विविध शरीरस्ता यन्यन्ता जीवनाशया, जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते, सदा दुःखातुरा एव न सुखी विद्यते क्वचित्, तेनोपायेन मोक्षस्य
मुंचन्ते वदम प्रभो सुनुतात् प्रवक्ष्यामि यन्मा तुम परिपृच्छसि यस्य सुनमात्रेण संसारात्मुच्यते नर ममेति मूलं दुःखस्य निर्ममेति च निर्विते सुखस्य विरगमे दुःखं न दुःखं गृहमूषके। भाव है, भावार्थ है कि ममता ही दुख का कारण होता है, और कहीं ममता न बांधना ही, किसी के प्रति मोह ममता नहीं होगी तो शांति का उपाय है। पहले सनातन हमारे ऋषि मुनियों के गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आदि, अंत में संन्यास आश्रम था। संन्यास आश्रम का मतलब था कि सबसे मोह माया हटा करके भगवान के लिए ही जीना, भगवान के लिए ही कार्य करना, हर कर्म भगवान के ही अर्पण, तो किसी से ममता न बांधना, यही शांति का उपाय है। मनुष्य हमारी जिससे जितनी ममता होती है, कई उदाहरण के तौर पे दृष्टांत हमारे जीवन में है। मान लो हम किसी तोता वगैरह कोई पशु भी पालते हैं, उसके प्रति अगर हमारी ममता होती है, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, तोते वगैरह कोई हम पाल लेते हैं और पुत्रवत अपनी संतान का पालन, जैसे संतान का पालन करते हैं वैसे उस सुख वगैरह का भी करते हैं, तो जब वह उसकी मृत्यु हो जाती उसी तोते वगैरह किसी जानवर की जिसको हम पालते थे, जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके लिए हमें बहुत दुख होता है, बहुत शोक होता है। ऐसे तो कई पक्षी रोज मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कई जानवर रोज मृत्यु को प्राप्त है, हमें औरों का दुख नहीं होता, सिर्फ जिसके हमारे साथ संबंध था, जिसको हमने पाला था, उसकी मृत्यु होने पर ही दुख होता है। अब भगवान जी ने सभी ग्रंथों में बताया कि ममता है क्या चीज, जो हम मोह माया में फंसे रहते हैं, सब लोग है क्या चीज, वह कैसे बनती है, कैसे बनती है किसी के प्रति। मम का, ममता का मतलब है मम, मैंने मेरा, यानी मेरा, मेरापन जो भाव, जिसके साथ मेरापन होगा उसके साथ हमारी ममता रहती है। जो मेरा ही नहीं होगा, जिसके साथ मेरापन नहीं होगा, मेरा नाम नहीं जुड़ेगा, उसके साथ हमारी ममता भी नहीं बनी रहती। भाव हो जाने पर, मेरा भाव हो जाने पर कि मेरा घर, मेरा धन, मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, जो भी मेरा अपना समझेंगे, समझो उसके साथ हमारी ममता है। और ममता के विषय में वियोग दुख, जब जिसके साथ जितनी ममता होगी उतने हमें दुख रूपी कांटे भी चुभते हैं। ममता कैसे बनती है यह समझने के लिए हमारे सभी शास्त्रों में जगत को दो भागों में बांटा, एक क्षणादि प्रवेशांता सृष्टि रीसैन निर्मिता जागृति विमोक्षांता संसार जीव कल्पिता। कहते परमात्मा जब भगवान योग निद्रा में सोए हुए थे, जाकर देखा तो कुछ भी नहीं दिख पड़ा, तुरंत ही संकल्प की स्फूर्ति हुई, कहा तो मैं तो अकेला हूँ, अनेक रूप हो जाऊं, तो यह संकल्प प्रकृति के ऊपर प्रतिफल होते ही उनमें गुण क्षोभ हुआ। जब भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसमें कोई क्रिया या गति नहीं दिख पड़ी, जैसे सूर्य अपनी अनंत किरणों से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार परमात्मा ने अपने अनंत अंशों से सृष्टि में प्रवेश किया। हर जीव में, हर जगह परमात्मा का ही रूप है, सब में परमात्मा ही है, और भगवान सबसे वैसा ही व्यवहार भी करने लगे, क्योंकि सृष्टि की रचना प्रकृति से हुई, इसलिए स्वभाव से ही विकार वाली सृष्टि। इसका अर्थ है कि पदार्थों में रूपांतर होता रहता है, हम सभी लोग जितने भी पदार्थ हैं, हम जितनी भी हमारी दृष्टि जाती है, हर चीज का रूपांतर होता है। रूपांतर का मतलब है रूप बदलता है, एक प्राणी उत्पन्न होता है, कुछ समय तक रहता है, फिर नाश को प्राप्त होता है, इसके उत्पादन कारण मिल जाते हैं। जैसे हम पैदा हुए, बचपन हुआ, 5-10 साल के हुए, उसके बाद जब 20-25 साल के हुए हमारे सब रंग रूप बदल गया, जब 40-50 साल के हुए तब वो वाला रूप नहीं रहा, जब वृद्धावस्था हुई तब वो हमारा रूप नहीं रहा,
हमारे शरीर में भी कई रूप बदले गए, उत्पन्न होना, जीवित रहना, रूपांतर होना, बढ़ना घटना और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यही शरीर की गति बतलाएगी। परंतु हम लोग सब देखते हैं तीन विकारों के समझ लेने पर काम चल जाता है, यानी उत्पन्न होना, जीना और मर जाना। ये सब जानवर के साथ हम पैदा हुए, जिए और मर गए। न हमने परमात्मा के लिए कुछ किया, न समाज के लिए किया, न दुनियादारी के लिए किया, तो कहता हमने अपनी मनुष्य योनि को व्यर्थ ही गंवा दिया। पहले भी कथा आती है सभी में कि अगर हम मनुष्य का जीवन ऐसे ही गंवा दें, न तो परमात्मा के लिए, न समाज के लिए, न दुनिया के लिए, किसी के लिए, न परोपकार के लिए, किसी के लिए अगर हमारा जीवन ही नहीं रहा, तो हम पैदा हुए, जिए और मर गए, जैसे जानवर भी पैदा हुए, खाया पिया, जिए और मर गए। इस ईश्वर निर्मित जो सृष्टि बनाई गई है, इसकी सृष्टि में कुछ कहते भगवान ने भी बताया, भगवान विष्णु का नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है, कोई भी नया नहीं होता। हमारे देखने में वो नया था, कोई बच्चा होता तो पहले उसकी आत्मा कहीं और रही होगी, फिर बच्चा हुआ, हमने कुछ चीज़ बनाया तो किसी इसी धरती के चीज़ों से हमने उस चीज़ को बनाया, केवल उसका रूप बदला गया। हम उत्पत्ति विनाश करते हैं। मान लो कई उदाहरण भी होते हैं हमारे शास्त्रों में, एक गेहूं का दाना जमीन में बोया गया, जमीन में मिल गया, उसके बाद अंकुर निकला, अंकुर के बढ़ने पर उसमें गेहूं के अनेक दाने हुए, पंच महाभूत देह से वो दाना हुआ। जैसे हमारा शरीर भी पांच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और जब इस शरीर की मृत्यु होती है तब ये पांचों चीजें मिल जाता है, और हमारे जितने भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और पूरे संसार में गुण भी पांच ही हैं। गुरु पुराण के अंदर भी बताया गया है पांच गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। जो धरती, इसमें पांच गुण होते हैं, रूप भी है धरती का, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी और शब्द भी, ये पांच गुण हैं। ऐसे जल में चार हैं, अग्नि में तीन हैं, वायु में दो हैं और आकाश में सिर्फ एक ही गुण है, वो है शब्द गुण। ऐसे पंच महाभूत उत्पन्न हुआ हमारा शरीर, कई प्रकार से हमें उदाहरण मिलते हैं। और पाप तथा पुण्य रूपी यंत्र से जकड़े रहने के कारण हमें सुख और दुख मिलते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हमें सुख मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेंगे। जीव अपने कर्म के अनुसार, जैसा हमने कर्म किया वैसे हमें अगली योनि, आयु, भोग विनाश और भोग होने वाली अपनी जाति में जाते हैं। क्योंकि जैसे भी कर्म किया, आजकल तो कई लोग बोलते हैं अभी हमने खा पी लिया, आगे का किसने देखा, लेकिन भगवान ने सबसे ज़्यादा बुद्धि विवेक मनुष्य को ही दिया है, जानवरों को इतनी बुद्धि नहीं दी। सभी बोलते हैं कि अभी जो कर्म आगे कोई नहीं देखता, अभी खा पी लिया आगे किसने देखा, लेकिन हमें भगवान ने इतनी बुद्धि भी दी, हम सब देखते हैं। मान लो अभी परमात्मा की बात नहीं भी करें, हम सोचें कि हमें किसी बड़े उद्योगपति के घर में जो बच्चा होता है वो जन्म से ही अरबपति होता है, तो उस घर में जन्म लेने के लिए भी हमें बहुत अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, उस घर में जन्म लेने के लिए भी अच्छे काम करने पड़ते हैं। अगर हम अच्छे काम ही नहीं करेंगे, पुण्य कर्म नहीं करेंगे, तो हम देखते हैं कई बार जानवरों को ही देख लो, कुत्ता होता है तो उसके पता नहीं कौन से कर्म है, अच्छे कर्म करेंगे तो न तो कोई रोटी देता, कीड़े वगैरह पड़ जाते तो कोई दवाई देने वाला भी नहीं होता। और कई बार कई ऐसे भी है, कुत्ते की योनि मिली, ऐसे घर में उसका जन्म हुआ जहाँ पर उसके ही लिए आदमी नौकर होता है, कर्म है अपने अपने। कुत्ते के लिए आदमी ही नौकर है, खाना बनाने वाला आदमी है, डॉक्टर अलग है, अच्छे बिस्तर में सोता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जन्म तो कुत्ता ही का है, लेकिन उसने पता नहीं अपने जीवन में ऐसे कौन से काम कर दिए कि जन्म तो कुत्ते का मिला लेकिन ऐसे घर में जहाँ सब सुविधाएं हैं वहाँ जन्म मिला। इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। 84 लाख, मान लो 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव को जन्म मरण करना पड़ता है,
और मनुष्य योनि के बिना सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि के है जिससे हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने माता पिता समाज की इज्जत कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही ऐसा तत्व ज्ञान है। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद भी अगर हमारा थोड़ा पुण्य शेष रहेगा तो कभी जीवों को इस मनुष्य के शरीर से ही मोक्ष मिल सकता है। इस प्रकार मोक्ष का साधन और जो दुर्लभ, सबसे ज्यादा दुर्लभ मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके अगर हमने अपने तारण का उपाय नहीं किया मनुष्य होकर के, तो और जो योनियों में कैसे कर सकते हैं। अगर हम मनुष्य होकर के अपनी आत्मा को जानवर न बने ऐसे उपाय नहीं करेंगे, हम कुत्ते बिल्ली आदि योनियों में जाएं, मनुष्य होकर के ऐसे काम नहीं करेंगे, तब उन योनियों में जाकर कैसे कर सकते हैं। मनुष्य के हाथ पैर नमनीय हो, उत्तम वंश में जन्म हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने भलाई की बात जो न सोचे ये सबसे बड़ी बात है। गया हुआ गांव खेत आदि सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर एक बार चले गया तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब तक दुख अपना बीमारी वगैरह शरीर में नहीं आती, जब तक विपत्तियां नहीं आती, जब तक इंद्रियों में विकास नहीं होता, उससे पहले ही अपनी आत्मा को संसार से तारने का उपाय करना चाहिए। क्योंकि घर में आग लगने के बाद अगर कोई कुआं खोदेगा तो उससे मूर्ख आदा कोई नहीं है। हम लोग बोलते जब वृद्धावस्था आएगी तब भगवान के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए अच्छे काम तब कर लेंगे, लेकिन क्या पता वृद्धावस्था आएगी या नहीं। शरीर में वृद्धावस्था आने से पहले ही अनेक अच्छे कर्म ऐसे करें जिससे समाज दुनिया हमें याद कर सके। क्योंकि बीतने वाले काल का ज्ञान नहीं रहता, बड़े आश्चर्य है। प्राणी अगर हम खुद अपनी भलाई की बात नहीं सोचेंगे तो दूसरा संसार में कोई हमें बताने वाला नहीं है। रोज हम देखते हैं किसी के साथ संबंध होता है, किसी के साथ वियोग होता है, कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई आपत्तिग्रस्त है, किसी को क्लेश हो रहा है, हम दुनिया में रोज देखते हैं। जो कहते हैं हमारे पास संपत्ति है आज, वो स्वप्न के समान है। स्वप्न देखते हम सब कुछ भूल जाते हैं कि मेरे पास क्या है, कौन मेरा बच्चा, कौन स्त्री है, कौन हमारे पास गाड़ी मोटर घर क्या है, स्वप्न में हम सब भूल जाते हैं। जब सवेरे उठते हैं तो सब कुछ पहले जैसा है। ऐसे ही संसार भी कहा स्वप्न के समान है। 10, 20, 50, 60, 70 साल जो जी गए स्वप्न के समान है। और जो हमारे पास आज भी संपत्ति है स्वप्न के समान, युवा अवस्था जो जवानी होती है पुष्प के समान, फूल के समान, और जब मुरझा जाती है तो वृद्धावस्था। जो हमारी उम्र है, आयु है, बिजली के समान, कब चले जाए कोई पता नहीं। इन बातों को जानकर किसको धैर्य होता है। अगर मान लो सभी लोग, पहले तो है नहीं 100 साल का जीवन, मान भी लो कि हम 100 साल का हमारा जीवन है, उसमें से भी तो आधा जीवन हम खाने पीने और सोने में बीत गया, उसमें जो बचा वो बालकपन में, रोग में, बुढ़ापा आदि में समाप्त हो जाता है। हमने परमात्मा के लिए मोक्ष के साधन में कितना समय व्यतीत किया, ये खुद हमें सोचना चाहिए। क्योंकि जल की बूंद की तरह जीव को दबा करके अस्थिर प्रिया जो हमारे अंदर श्वास है कभी नहीं रहेगी। श्वास भी कहते गिन के मिले हुए हैं, जितनी हमें श्वासें मिली हैं परमात्मा की कृपा से वो भी गिनती की मिली हुई है। यह कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अथाह संसार में मग्न हूँ। इस संसार में मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि सब व्याप्त है। मृत्यु है, रोग है, बुढ़ापा है। हम बोलते हैं जन्म हो गया, जब जन्म ही होता है, जन्म शब्द में ही 3 अक्षर है। ज का मतलब जन्म ही हो गया, न का मतलब जो बीच में न है उसका मतलब होता है निश्चित, और जो आखिरी में म है उसका मतलब मृत्यु। जन्म के समय ही निश्चित मृत्यु हो जाती है। तो वही है, हर काम के पीछे जो चीजें होती है कि संतान होगी या नहीं होगी, हो भी जाती है तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, फिर बोलेंगे इसका विवाह होगा या नहीं होगा, हर चीज के पीछे दो दो चीज हम बोलते हैं होगा या नहीं होगा। लेकिन मृत्यु के लिए ऐसे कोई नहीं बोलेगा या मरेगा या नहीं मरेगा, मृत्यु तो अवश्य ही आने वाली है, मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे हम हर समय
मृत्यु के नजदीक जाते हैं। हर पल 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 पल, हर सेकंड, हर क्षण, हर घंटे मिनट, जैसे मानो कोई कच्चा घड़ा होता है उसको पानी में रख देते हैं, धीरे 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 वो मिट्टी पानी में मिल जाती और किसी दिन थोड़ी देर में वह सारा पानी में मिल जाता है। मालूम नहीं पड़ता समय का कब वो खत्म हो गया। सभी ग्रंथों में बताया गया और गरुड़ पुराण जी के अंदर बताया, मान लो हवा भी घेरे में बांधी जा सकती है, मान लो आकाश के भी खंड खंड हो जाए, लहरों को भी गूंथा जाए, परंतु उम्र में, हमारी उम्र में कोई आस्था नहीं है। कितनी उम्र है कोई आस्था नहीं। और जो काल है, समय क्या है, जो काल होता है वो पूरी धरती को, पूरी भूमि को एक सेकंड में जला सकता है, एक पल में ही जला सकता है, बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़े कर सकता है, सारे समुद्र के जल को सुखा सकता है। काल के इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है। तो उस काल के सामने हमारे शरीर की क्या गणना, जो इतने बड़े काम कर सकता है। हम सोचते हैं कि मेरे पुत्र, स्त्री, मेरे भाई, बंधु, ऐसे प्रलाप करने वाले मनुष्य काल के द्वारा क्यों न मारे जाए। मैंने ये काम कर दिया, सोचते हैं ये काम बाकी रह गया, ये काम मेरे से व्यर्थ हो गया, ऐसी इच्छा करने वाले को काल अपने फंदे में जब घेर लेता है। जो हमें अच्छे काम कल करने हैं उन्हें आज करो, जो शाम को करने हैं प्रातः काल करो, क्योंकि तुमने कितना कर दिया, कितना बाकी रह गया, काल इस बात की कोई प्रतीक्षा नहीं करता। प्राणियों को तृष्णा रूपी सोए से कोच रूपी राग द्वेष द्वारा अग्नि में पकावा, जब मृत्यु उस शरीर का ही भोजन कर देती है। यह जगत संसार ऐसा ही है, चाहे बालकपन हो, जवान वृद्धावस्था हो, गर्भ में हो, जो भी हो, सबको काल घेर लेता है। जीव जब अपने ही शरीर को त्याग कर चले जाता है तो कैसे स्त्री, माता पिता, धन पुत्र आदि कहे जाए। परम श्रद्धे परम पूज्य गरुड़ पुराण जी व्यास जी थे, असी पूज्य पंडित हरीश जी, इस श्रद्धांजलि समारोह के बैठे हुए सारे भैन भरा वीरू बजुर्गो, अज असी उस महान विभूति लेट स्वर्गीय रखा राम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वास्ते एकत्रित हुए, जिन्हों का जीवन चूंकि असं बचपन तो देखते आ रहे, साढ़े मोहल्ले काफ़ी देर ये परिवार रह के आया, ये सारे मेरे वीर, मेरे भैन सारे विचरते सके घर के कोल ही। जो क्वालिटी मास्टर जी के बीच देखी है, मेरा ख्याल शायद ही अक्सर देखने को मिलती है। साथ ही अपनी लाइफ, साधारण जीवन, अज तक कभी मैं किसी के नाल उन्होंने तरक्की के बोलते नहीं देखा सी। हाथ साइकिल असं कह देंगे ने हजारे है जी, फलाने है जी, लेकिन प्रैक्टिकल जो कोई ऐसे प्रमुख मुखी शहर च दिखते ने ना, तुम प्रणाम करो ना करो मस्तक अपने आप ही झुक जाता है। ऐसे मास्टर जी को जाते हुए प्रणाम करना, बड़े खुश होकर आशीर्वाद देना, मैं दुख है साड़ी माता भी थोड़े जे प्रॉब्लम है, ट्रबल है, और मास्टर जी ने भी अपना जीवन तिब्बत प्रिया च स्कूल के रिटायरमेंट तक उत्थे रहे। अपना परिवार बड़ी ईमानदारी, अपना परिवार बड़ी सादगी दे नाल पालन पोषण किया, और परिवार भी अगे ऐसा कि परिवार ने कोई भी अपने जीवन के अपनी चादर तो बाहर नहीं पैर पसारे, जिसने कहते अपने समाज के प्रतिष्ठा बनाई, अपने मोहल्ले एक परिवार की तरह सारे तरह रहे।
कि सारा परिवार और सारे शहर के वसनीक अज असी अपने पूज्य मास्टर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वास्ते एकत्रित हुए। जिहड़ियां असीं सभावां आयोजन करते हैं पंडित जी ने अपनी कथा गर्भ पुराण उ गर्भ पुराण के नाल कथा भी उही है बार बार असीं सुनते हैं, लेकिन जब असीं किसी को श्रद्धांजलि देते हैं वो व्यक्तित्व व्यक्ति अलग अलग होते हैं। इन्हां दा व्यक्तित्व जितना तुसीं कह रहे हो प्रशंसनीय है और यही कारण है कि इस परिवार के विच जिथे धार्मिक परिवार है जिथे समाजिक परिवार है उत्थे राष्ट्रीयता इस परिवार के विच कुट कुट के भरी हुई है। साढ़े सब तो मेरे दोस्त कह लो छोटे भरा कह लो जगदीश चंद्र जी काजदार इस भरावां दे विच जिहड़े वड्डे ने उन्होंने शहर में मेरे कोई ही ऐसा होगा इंसान जिहड़ा ला जाता हो, क्योंकि नगर कौंसल दे विच वाइस प्रेजिडेंट भी रहे ने, एक्स एम सी आर एस एस दीआं जड़ां दे विच बैठ के इन्होंने सेवा करी है, विश्व हिंदू परिषद दे मोढ़ी रहे ने, बहुत काम करिया, अज जो राम मंदिर का थोड़ा निर्माण हो रहा है असीं तुहानूं अपने मूँह क्या दसीए, मैं और मेरे नाल जगदीश जी कदे कदे घर जाके सवा सवा रुपया इकट्ठा करते सी और सवा रुपए की एक ईंट राम नाम की उन्हां नूं दे के आते सी कि यह तुहाडा सेवा है जिहड़ी कि मंदिर के निर्माण वास्ते होगी। लेकिन साडे शास्त्र कहते ने कि जो वक्त आता वक्त तो पहला कुछ नहीं होता, उस टाइम तो लग्या हुआ मूवमेंट तो कई साल तो कई सैकड़े साल तो है, लेकिन अज हो गया मंदिर बन रहे हैं। वो जी बूंद बूंद ने ना वो ऐसे ही लोग होंगे ने एक आजल दरबार बन गए। सो स्कूल साढ़ा इतने जो देखा जाए सर्वतकारी स्कूल सर्वतकारी विद्या मंदिर फाउंडर जगदीश वह सामने बीबी की हवेली के सामने धर्मशाला एक भंडारिया की उत्थे पढ़ाता होता सी, बहुत कुछ इस तो सीखा और बहुत प्यार एक दूसरे के नाल असी लिता एक दूसरे के परिवार के महेंद्र जी काजल एम पी साहब। मैं दसदा कि थर्मल के जॉब करते मेरे घर उत्थे करते सी और पेंटर पेंटिंग या जो कुछ भी करते हैं उसे मैं नहीं पता किस प्रोजेक्ट से सी, लेकिन जो असी गऊशाला के महेंद्र जी को बुलाया इसने पूरी सेवा की और कभी पैसा एक केला नहीं कहते यार मैं कुछ नसीब मैं कुछ किसी सेवा का मौका दे रहे गऊशाला के क्या सेवा हो कुछ लिखाना है कुछ किसी का बोर्ड बनाना ये और साढ़े किशोर जी जूलर ने व्यापार के अग्रणी ने और इन्ह सारे जितने भी मेरे वीर ने इन दर्थांगणिया लक्ष्मिया कोई भी बंदा काफ़ी तरक्की करता जो पिछों घर के सुख शांति हो और धर्मपत्नी सहयोग दे सारे परिवार एक बहुत ही काबिले तारीफ परिवार है और मेरी भैन प्रेमलता जी एक बहुत ही अच्छे परिवार के और जिस परिवार के जाके उस परिवार के नाम और उस परिवार का हर समय ही उन्नति चाहिए है। साढ़े बलदेव कृष्ण जी जीजा श्री वो भी बैठे ने उन्होंने परिवार उन्होंने बच्चे सारे इतने बैठे ने पोते पोतियाँ पोते पड़ोतियाँ सारे का एक परिवार एक ऐसा गुलदस्ता सी जिन्हां दे यात्रे विच जिहड़े तने सी अज असीं उन्हां नूं श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहे हैं। साडे राम रखा नाम दे राम रखा जिसनों राम ने रख लिया उसको किसने चख लिया किसी ने कोई अपनी उम्र अपनी आयु पूरा
भुगत के जा रहे हैं, लेकिन दूसरे पास असं कई बार सोचते नहीं कि कष्ट पाया जी, बीमार हो गए जी, आ हो गया जी, आगे साढ़े सारे कर्मों का लेखा जोखा है। जिन्ना मर्जी तुसी मंदिर, जिन्ना मर्जी गुरुद्वारे, जिन्ना मर्जी साधु संतां की सेवा कर लो, जिहड़े साडे कर्म है ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਹੀ ਤਦ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ VIP ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਖਾ ਸਾਡੇ RSS ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੀ। ਸੋ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਉਹ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲਜਾ ਜੀ ਘਰੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਬਿਸਕੀ ਜੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਆਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੇਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੇਲ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਮਾ, ਜਗਨੰਦਨ ਜੀ, ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ MC, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਰਮਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਦਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ SMC ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਿਤ ਕਿਹਰ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਜਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਜਲ ਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਜਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ BJP ਦੇ ਅਜੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਾਜਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਆਦਰਣੀਯ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਜੀ ਕਾਜਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਪਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਨ ਲਾਭ ਜਸ ਅਪਜਸ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਇਹ ਸਭ ਵਿਧ ਕੇ ਹਾਰ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਜੀ ਕਾਜਲਾ ਜੀ
जिन्हां दी जीवन यात्रा बड़ी सुचज्जी और साफ सुथरी सी और बहुत ही चंगे किते नाल संबंधित सन, अध्यापक सन। सब तो वड्डी चीज है काजला परिवार की, इन्हां दी शुरुआत बहुत ही थल्ले और बहुत छोटी है। कहिंदे ने विरासत में जिन्हां नूं मिलदा है वो ते कुछ भी कर सकते ने, जिन्हां नूं विरासत दे विच संस्कार मिलते हैं उन्हां संस्कारां दी कोई कीमत नहीं हुंदी। जो अज असीं महसूस करते हैं अपने पंजाब की सोसाइटी समाज दे विच जिस चीज की इस वेले घाट आई है, जिस करके समाज दे विच गिरावट होई है, उस संस्कारां दी घाट की वजह है। इस परिवार दे विच काजला परिवार दे विच चार भैन भरा ने, सब तो वड्डे जगदीश काजला जी सबका एम सी और मेरी भैन थर्मल च सेवा देंदे रहे। इस परिवार के नाल काफ़ी पुराना जुड़ाव है। सियासी तौर पर काजला साहब ने बहुत ही घाट के एम सी बने, एम सी बन के समाज की सेवा की और अपना नाम कमाया। उन्होंने तो छोटे मिंदरपाल जी ने, मिंदरपाल जी थर्मल दे विच मुलाजम रहे और इन्हां दे नाल अक्सर अज तो 25-30 साल पहला भी बैठने का मौका मिलता सी। एक बहुत ही चंगे कलाकार ने, एक बहुत ही वधिया पेंटर ने, ते असीं भी कई बार कोई छोटे मोटे काम इन्हां नूं कह दिंदे हुंदे सी एम पी जी नूं, ते इन्हां ने उस चीज़ नूं करके देना। बाकी किशोर जी ने, किशोर जी ने बाजार दे विच एक बहुत ही छोटे स्तर के उपर एक दुकानदारी शुरू करके अज सोने का बहुत चंगा व्यापार है और जो भी मैं उत्थे गुजरदा हाँ बाजार के विचों बेटा बैठा हुंदा है तो मैनू एक अलहदा जी फीलिंग आती है। फीलिंग ये आती है इस संस्कारां नूं लैके जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने तरक्की जी स्थिर होंगी है और हर वेले कायम रहती है। सो भैन ने प्रेमलता जी, जवाई ने, वो भी बहुत ही एक चंगी शख्सियत ने और बहुत ही चंगे सुभाव के मालिक ने। सो कहने का भाव यही है कि इस परिवार ने शहर के एक बहुत वधिया अपना नाम ते रुतबा बनाया है और अज असी एक समाज सेवी होने के नाते या वख वख पार्टियां च काम किया है, पार्टियां के नुमाइंदे होने के नाते आप एक गल देखते हैं भी जिथे जात कातियां पार्टियां की कंधा नहीं होंदियां उत्थे पता लगता है कि इस परिवार का रुतबा की है। अज मैं देख रहा हाँ कांग्रेस के बहुत ही उच्चे हुए और बहुत ही उच्चे लीडर इतने बैठे हुए हैं, बीजेपी के बैठे हुए हैं, इस तो बाद आम आदमी पार्टी को भी रिप्रजेंट कर रहे हैं भगत सिंह जी, लगभग होर भी समाज सेवी संस्थावां के सारे लोग इतने बैठे हुए हैं। सो समाज की तरक्की ता ही होएगी जे असी राजनीति भुला के जात धर्म दीआं कंधां नूं भुला के सिर्फ समाज की सेवा च अपना टाइम लावांगे। अज पंजाब की सोसाइटी को सुधारन की लोड़ है, अज पंजाब की सोसाइटी वास्ते रल मिल के काम करने की लोड़ है। सो मैं अज इस मंच की राही राम रखा जी को अपने वालों पार्टी वालों श्रद्धांजलि अर्पित करना वा, नाल ही आप अज इस स्टेज की राही अपनी मावां भैणां नूं जिहड़ियां कि समाज की निया ने जिन्होंने समाज को सेध देनी है उन्होंने भी इस मंच के राही मैं बेनती करता वा कि समाज में सुधारन वास्ते और बच्चों सुधारन वास्ते अपना जो उपराला है वह बढ़ चढ़ के करो। पंजाब में असं एक वधिया पंजाब बनाना है, चंगे संस्कार देने हैं। सो मैं अज
अपने वालों और पार्टी वालों सारे परिवार को श्रद्धा के सुमन भेट करते हुए राम रखा जी को मैं शिवा का याचक हाँ। मेरे अगले बुलारे ने मेरे अपने बहुत अजीज दोस्त चन्नी जी भाटिया जी चरणजीत सिंह जी भाटिया प्रेजिडेंट गुरद्वारा सिंह सभा भाटिया जी मेरी आवाज चिड़िया दूंगे चिड़िया पी आई पी चिड़िया टाइम से सो लो जी फिर मेरे गिर साहब ने कहा चैड़िया दो साढ़े चैड़िया जी बहुत मित्र ने साढ़े आओ जी चैड़िया साहब साढ़े पिता समान राम रखा कांजला जी दियांती दास देव जी जुड़ बैठे हैं कि बहुत ही लंबी आयु हो के गए ने लंबी आयु बेशक परमात्मा ने दिते हुए साल ने पर परिवार का भी वो बहुत बड़ा हाथ होंदा है जो परिवार बुजुर्गों की सेवा करता है तो बहुत खुश रहते हैं बुजुर्ग सियाने साढ़े माता जी भी बैठे ने ते परिवार की जो गल करिए तकरीबन 20 साल पहला जो मैं रोपड़ के आया तो जगदीश कांजला जी के नाल मेरी मुलाकात हुई कि उन्होंने मैं उंगल फट के चलना सिखाया तो सारे जगह लैके जाते रहे मैं मिलाते रहे उन्होंने सदा आशीर्वाद मेरे ते रहेगा इन्होंने सारे भरा जिन्होंने मैं बड़े चंगी तरह जानता बड़े ही सियाने सुलझे हुए जिन्होंने अपने पिता की सेवा की है जिस तरह गायक ने कहा कि मौजा भुलनिया नहीं जो बापू के सिर पर करिया माँ बाप के सिर पर ही मौजा होंगे सो अपन जरूर अपने बजुर्गों की सेवा करनी चाहिए है जिस तरह पंडित जी ने भी कहा कि उन्होंने जो चरण ने जो तो आपू हथ लाते हैं गोडी हथ लाते हैं चरण स्पर्श करते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ा तीर्थ होंगे जो आप बाहर तीर्थों पर जाई जाइए करे आप माँ बाप की सेवा ना करिए तो मैं लगता कि उन्होंने तीर्थों का अपन फल नहीं मिलता जे घर आप रोटी नहीं देनी बजुर्गों पिता को पानी नहीं देना तो बाहर जाके आप छबीलों ला लीए लंगर ला लीए गुरद्वारा साहब से आप भांडे मांजी जाइए तो उन्होंने कोई फायदा नहीं होंगे निष्फल होंगे अपने माँ बाप की सेवा करो उन्होंने हाल चाल पूछो क्योंकि आप जो निके होंगे तो देखो माँ बाप अपने चार चार पाँच पाँच बच्चों पालता है जब आप बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का सुभाव बच्चों वाला हो जाता उन्होंने एक गल चार चार बार पाँच पाँच बार कहना होंगे जिगना आप बचपन के उन्होंने कहने तो आपू भी उस तरह उन्होंने केयर करनी चाहिए जो पाँच चार बार भी गलू कहने तो उस तरह सुनना चाहिए जिस तरह अपनी वो बचपन के गल सुन रहे थे सो माँ बाप चार पाँच बच्चों पालता तो आपको भी बुजुर्गों को संभालना चाहिए तो उन्होंने हमेशा आप ख्याल रखना चाहिए सो अरदास हुई है बेनती हुई हैं कि बिरथी ना हो जन की अरदास सच्चे पातशाह उस पिछड़ी रूह में अपने चरणों च निवास बख्शी पिछे परिवार को भाणा मन बल बख्शी मेरे नाल रतवंत सिंह जी हिरदापुर जनरल सकत्तर कांग्रेस सुखविंदर सिंह जी बिंदरा जिहड़े प्रधान ने बाबा अमरनाथ जी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बॉबी चौहान जी राम जी जिहड़े कि ए पी राणा जी के अपने वश जी साहब ने वो सारे अपनी हाजिरी गवा रहे हैं सो जय श्री राम वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह अज असी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री राम रखा कांजला जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे हुए हैं तो बाकी भी चलो कहें मरना सच मरना जीना सच जीना झूठ है मरना सच है तो ये बाकी है कि जिन्हें भी आना इस दुनिया फानी दुनिया नू छड़ के सारे ने चले जाना है कहते जो आया सो चल सी सब को आई वारी है तो ये फानी दुनिया पौड़िए पीर पैगंबर असी तुसी सारे इन्होंने सारे ने इतों चले जाना है तो बाकी मेरे तो पहला चैड़िया साहब ने ते गिल साहब ने बड़े विस्तार सारे दस्या कि माँ बाप की सेवा सानू जरूर करनी चाहिए है जिस तरह कांजला परिवार ने अपने बुजुर्गों को सांभिया हुआ है तो माँ बाप की सेवा ही सब तो उत्तम सेवा मनी गई है कहें भी मंदर गुरुद्वार जिन्हें मर्जी मत्थे टेक लो या लंगर ला लो चैड़िया साहब ने मेरे तो पहला दस्या तुम सारे तो बहुत वधिया गल करी
तो बाकी ये भी काजला परिवार बहुत ही मिलनसार परिवार है। जो ये साढ़े हम पहला तो छोटा जहा उन्होंने किशोर काजला जी ने अपना प्रॉपर्टी का कारोबार ऊपर शुरू किया। उस तो बाद ज्वेलर एसोसीएशन के नाल इतने जुड़े इन्होंने साढ़े ज्वेलर की दुकान भी खोली है। तो बाकी है भी जो भी इन्होंने को लंघी तो हमेशा ही कहें भी आओ भाजी चाह पी के जायो कदम भी मतलब कि हर टाइम हफ्ता जोड़ा ही इन्हों का साढ़ा सामने आया है। तो बाकी है भी मेरे नाल इतने सारे ज्वेलर एसोसीएशन के भी सारे सदस्य बैठे है। तो मैं उन्होंने वालों भी शब्दों के फुल भेट करता हूँ सारे। बाकी मैं देखना चौहान साहब है, नागी साहब की फैमिली है, बेला फैमिली है, दारा जी भी पिछले बैठी हैं। तो होर भी बाकी जिन्हें भी पतवंत सज्जन तुम इतने आए हो शहर वासी तो सारे का परिवार वालों धन्यवाद किया जाता है। कहें भी जो किसी के दुख के शामिल हो जाइए तो वह दुख घट जाता है, जो सुख शामिल हुई तो सुख बढ़ जाता है। तो सारे सारे का थोड़ा परिवार वालों धन्यवाद किया जाता है। बाकी होर भी मैं अपने ज़्यादा समा तो नहीं लवागा। तो अंत में मैं अपने वालों अपनी कांग्रेस पार्टी वालों अपनी ज्वेलर एसोसीएशन वालों तो अपने नगर कौंसल वालों श्रद्धा के फुल भेंट करता हुआ अंत में परमात्मा अगर बेनती करता कि पिछड़ी आत्मा अपने चरण स्थान दे। ओम शांति ओम शांति। चारिया साहब बड़े विस्तार में दस रहे थे कि सेवा उ है जी जिंदी जी हो जाए बाद लंगर लाए तो एक लोग विखावा। गरीब दिन काजला जी भी गल हो रही थी जिनी सेवा इन्होंने परिवार ने रल के की है मैं समझा कि उ एक अज के दिन उन्होंने तलदी श्रद्धांजलि है। असं सारे भी भविख में झाती मारीे अपने परिवारों के झाती मारी तो जो असं छोटे बच्चे से छोटे बाल से जिदा पिता जी सू नहाते प्यार करते जेकर खाना नहीं खाते पर गुस्सा नहीं करते प्यार के सू खाना खवाते। समय का चक्कर इदा ही चलता दुनिया संसार है। एक दिन इस तरह का आ जाता जो जो पिता ने कर्तव्य निभाए होंगे अपने पुत्र के लिए उ पुत्र को फिर वापस पिता को देना पैदा जो बीमारी की अवस्था के पिता को नहलाना पैदा पिता के कपड़े चेंज करने पैदे है पिता को बड़े प्यार के नाल खाना नहीं खाता जाता उन्होंने खाना खवाना पैदा। पर झाती मार के देखिए जो असं छोटे होंगे खाने की बेदबी भी कर देते पिता को लाभे सुट देते पिता ने कभी गुस्सा नहीं किया। पर जोड़ा अच्छ समाज चल रहा मैं बजुर्गों का कई बार देखता कि वृद्ध आश्रम से उन्होंने जाना पैदा जोड़ा मुल मोड़ना चाहिए वो पिता को मोड़ नहीं पाते। इस करके मैं काजला परिवार का भी धन्यवाद करता कि उन्होंने पूरे तरीके दे नाल पूरे हिम्मत दे नाल जेड़ा फर्ज उन्हें बेटिया का बनता से उन्होंने फर्ज निभाया। अज भारतीय जनता पार्टी वालों मैं सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने पिता को दिता हुआ काजला जी ने भी कहना कि तुसी जो मुल मोड़िया पिता की सेवा करके तो अज जी संगत उन्होंने श्रद्धांजलि देन जुड़ी हुई है तो वाहगुरु सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों से निवास बख्शे। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतह। सत्कारयोग साढ़े समाज सेवी धार्मिक हरेक तरह हरेक पक्षों जोड़े समाज की सेवा करते हैं श्री महेंद्र जी जय उन्होंने प्रार्थना करा कि परिवार की तरफों तुम सब का धन्यवाद करो और सारे का थैंक्स करके जो भी आदेश है उस तरह व्यास गति ते विराजमान पूज पंडित जी तुसी पवित्र गुरु प्राण के माध्यम के नाल मनुष्य को अपने जीवन के कर्तव्य दसते हुए और दिवंगत आत्मा के प्रति पिछे रहा हुआ परिवार उन्हें बच्चे उन्होंने परिवार के लोग उन्हें समाज के लोग किवें उन्होंने आत्मा की शांति लई सुख मंगन तुसीं बहुत ही अच्छे ढंग नाल भजनों के द्वारा और श्री करम पुराण के व्याख्या के नाल सानू समझाया है और साढ़े वीर ने जिन्हें जिन्हों भी मौका मिल सकता उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर साढ़े कर्तव्यों का आभास करवाया सानू और काजला परिवार
जिहड़ा कि मेरा अपना ही परिवार बचपन तो लैके हुण तक जदों तो जिस तरह श्री मूलरा जी ने दस्या कि उच्चे खेड़े ते जिस वेले रहिंदे सन उदों तो ला के यानी पिछले 50 साल तो लैके हुण तक वैसे तो मैनू मैं रोपड़ का बच्चा बच्चा जड़ा है मैनू अपने ही परिवार का अंग ने सारे सारे बहुत ही प्यार करते हैं लेकिन कुछ परिवार ऐसे होंगे ने जिन्हों चाहे मैं रोपड़ च रहा हाँ या रोपड़ तो बाहर भी लंबा लंबा समय तक चाहे हरिद्वार चाहे जलंधर या लुधियाना या पंचकूला इत्यादि स्थानों के उत्ते लंबे लंबे समय भी बीच बीच मैं सेवा का मौका मिलया जदों भी मैं रोपड़ च आना तो जदों तक उन्होंने 10-12-15 परिवारों के जाके दर्शन नहीं कर आने बजुर्गों के उदों तक शांति नहीं सी मिलती चाहे ओम प्रकाश जी जैन का परिवार ओम प्रकाश जी जल्दी चले गए उन्होंने श्रीमती जी जिस भी हालत से होर भी जगदीश जी को जो पता लग्या कि महेंद्र जी आए ने तो मैं कह लगे कि महेंद्र जी कोई अजय ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि असी सारे बजुर्गों के दर्शन करके आइए घर जा सके जिन्हें भी बजुर्ग ने घर अपने परिवार के संघ क्षेत्र के सब परिवार के ने या अपने परम प्यारे प्रेमी सज्जन धार्मिक क्षेत्र के ने उन्होंने सारे बजुर्गों को असी घर जाके दर्शन करके आइए बजुर्गों का तो आना जाना होंगे नहीं मैं कह मैं तो होके ही जाना हर घर घर से होके जाना जो भी आना उदों भी होके आना दर्शन लेकिन काजला जी ने कहा कि नहीं अगे तुम कले जाते हो मैं भी नाल जाना चाहना घर घर असी गए हर घर के बजुर्गों को जाके नमन करना प्रणाम करना चाहे अमरलाल मिगलानी जी का परिवार हो चाहे उपका जी जैन का परिवार हो चाहे फिर मैं पिता जी के दर्शन उन्होंने पिछले चोट लगन के कारण वो मजबूर सन कित आन जान तो लेकिन मैं कुछ दिन बाद घर जाके पिता जी के दर्शन करके आने रखराम जी के और उन्होंने आशीर्वाद लेके आना ऐसा मेरा ये परिवार एक अजला परिवार जिन्होंने समाजिक क्षेत्र के अंदर तो सेवावान कीतिया ने उस तो इलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी जिथे जिथे भी उन्होंने मौका मिलया उन्होंने घट नहीं की महेंद्र जी के बारे और छोटे भाई साहब के बारे भी हाँ बहुत कुछ जो दसा गया तो उन्होंने अच्छे संस्कारों के कारण ही इस समाज के अंदर सेवा कर बल मिलया है ऐसे अवसर के उत्ते मैं नगर के जितनिया भी मातावान भैन मेरिया भी आईया ने जिन्हें बजुर्ग आए ने मेरे भरा आए ने इस मौके के उत्ते साडे स्वर्गीय श्री राम रखा जी दे आत्मा की शांति लई अरदास करन लई खड़े आए ने और परिवार के नाल सांत्वना देने लई आए ने क्योंकि घरों चाहे किन्नी भी उम्र पाई हो उन्होंने लेकिन परिवार को जानता उन्होंने जान का दुख तो होंगे है माता जी का जो मैं हाल देखा माता जी बहुत ही क्योंकि जीवन के साथी जीवन के सरताज जो चले जाए तो उन्होंने बड़ा दुख होंगे है लेकिन मैं माता जी को बेनती की कि माता जी ये थोड़ा सौभाग्य है कि थोड़े बच्चे बहुत अच्छे हैं और उन्होंने तो जिनी उम्र पानी सी वो उम्र होगी ऐसे अवसर के उत्ते जितने भी लोग आए ने वो सारे बहुत ही धन्यवाद के पात्र ने मैं अजला परिवार वालों अपने वालों और बिल्कुल बेनती करूँगा जी जरूर मैं सब का धन्यवाद करता हाँ जिन्हें कदम चल के आए हैं साढ़े सिर मत और बेनती है परिवार वालों के आप जी आए हो तो आपका जिते धन्यवाद किया जाता है नाल ही बेनती है कि ऊपर थोड़े भोजन प्रसाद का भी व्यवस्था की गई है कोई भी व्यक्ति बिना भोजन किए ना जाए ये बेनती है
और इन्हां ही शब्दों के नाल मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और परिवार वालों परिवार को सांत्वना के शब्द कहते हुए मैं क्षमा मंगता हाँ। ऐसे अवसर के उत्ते असी सामूहिक श्रद्धांजलि लई जरा सीधे होकर बैठ जाइए, जरा चौकड़ी मारीे, कमर सीधी करिए, अखा बंद कर लीए, अपने अंगूठा और उंगली नाल जोड़ के इसनों ज्ञान मुद्रा कहा है, ज्ञान मुद्रा से बैठ के स्वर्गीय श्री रामरखा जी की आत्मा का ध्यान करते हुए उन्होंने आत्मिक शांति लई तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास भर के, लंबा गहरा श्वास अंदर ओ Krishna Krishna Hare Hare
ਕਿਸਾ ਦੇ ਨਾਲ।